तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी परेश रावल जी का आर्ट वर्क जो ये वाला है। तो चलो इसको ड्रा करते हैं, देखते कैसे हो पाता है। और मैं दूसरा टाइप का करने की कोशिश किया है, तो ये वाला आर्ट मैं कुछ 5 मिनट में कर दिया था। मैंने कुछ ये वाला जो आउटलाइन दिख रही हो, तो मैं आउटलाइन फ्री हैंड ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि कैसे होता है। तो देखिए, जो फ्री हैंड मैंने आउटलाइन बनाया था तो कुछ ऐसा लग रही थी, और जो मैं ये वाला आर्ट वर्क बना रहा हूँ वो करीब 5 घंटा लगा था। तो देख सकते हो, इसको मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक करने की कोशिश किया है। आप देख सकते हो, ये वाला आर्ट भी मैं फ्री हैंड बनाया था। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ऐसे शुरू करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे शुरू करने से क्या होता है कि आपको जो पिक्चर का माप है वो पूरा पता चल जाता है। तो देख सकते हो, इसलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ और साजेस्ट भी करता हूँ कि ऐसे बनाओ। आप भी अगर बना रहे हो तो ऐसे बनाओ। तो देख सकते हो, और आप भी बना सकते हो इस तरह अगर आप चाहे तो। देखिए, मैं इसको, इस जो वाला आर्ट को बनाने के लिए मैं अप्सरा का और आर्ट लाइन का पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और इसमें सिर्फ दो ही पेंसिल के इस्तेमाल किया है। ये जो वाला देख रही हो, ये 6B का, और ये अप्सरा का है, और आर्ट लाइन का मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हो, और आप भी इसी तरह ट्राई कर सकते हो देख देख के। तो देखिए, मैं फर्स्ट लेयर डाल लिया, इसके बाद देख सकते हो 8B से सेकंड लेयर डाल रहा हूँ और रियलिस्टिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर डाल के ट्राई कर सकते हो। तो देखिए, तो ये वाला आर्ट मैंने फ्री हैंड बनाया था। आप चाहे तो टूल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टूल बनाकर अगर आप आर्ट करेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्मूथ होगा, और माप जो इक्वली पता चल जाता है। तो देख सकते हो, और इसमें मैं फ्री हैंडली बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ फ्री हैंड बनाने के लिए। तो देख सकते हो, और जो आई दिख रही हो उसको मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हो, आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप, आई होप कि आप सबको समझ भी आ जाएगा कि कैसे बनाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो अगर आपको फास्ट लगे तो। और जैसे कि आप देख रही हो, मैं एक ही पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जहाँ डार्क चाहिए वहाँ मैं ज़्यादा डीप के लिए मैंने पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा सेटिंग किया है, और जहाँ लाइट सेटिंग है उसको मैंने लाइटली इस्तेमाल किया है। और पूरा वीडियो में मैं जैसे कि बोला, मैंने 6B अप्सरा का और 8B पेंसिल आर्ट लाइन का इस्तेमाल किया है, और आर्ट लाइन का जो पेंसिल है उस ज़्यादा स्मूथ आता है, ज़्यादा ब्लैक होता है, इसलिए मैं आर्ट लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। और आप चाहे तो कोई भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप कोई भी पेंसिल इस्तेमाल क्यों ना करें, आपका जो आर्ट वर्क वो अच्छा ही होगा ही होगा। तो देख सकते हो, और मैं थोड़ा लाइट के लिए ऐसे ही नॉर्मल पेंसिल का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपने देखा। तो देखिए, जो हेयर है, हेयर को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए ये बहुत ही डार्क करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह मैंने पहले पेंसिल से सेटिंग कर लिया, फिर उसके बाद
हाथ से या कोई ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। तो देखिए जो फाइनल वर्क है वो इस तरह लग रही है। और आपको कार आपको मेरा आर्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो आई होप कि गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।